अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और जब भी आपका फ़ोन लॉक होता है और आप इस पावर बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर हर बार वॉलपेपर चेंज होता है, तो आप इसको कैसे बंद कर सकते हैं? या मान लीजिए आपके मोबाइल में ये चालू नहीं है ये चीज़, और आप चालू करना चाहते हैं इसको, तो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए मोबाइल की स्क्रीन लॉक है और जितनी भी बार मैं पावर बटन को दबा रहा हूँ वैसे उतनी ही बार जो नया वॉलपेपर है यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर हमें दिखा रहा है। तो ये सेटिंग कैसे करते हैं ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज वाली, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल हो आपको उसकी सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं इस मोबाइल की। मेरे पास फिलहाल वीवो का फ़ोन है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बात अभी बताना चाहूँगा कि जितने भी कंपनियों के मोबाइल है सभी में ये जो ऑप्शन है ये कुछ अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन कहाँ पर मिलेगा ये ऑप्शन ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वॉल पेपर नाम से एक सेटिंग मिलेगी सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, लॉक स्क्रीन और वॉल पेपर के नाम से, आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसी सेटिंग में आपको कहीं ना कहीं ये सेटिंग मिल जाएगी। नाम इसका हर मोबाइल में अलग अलग होता है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है तो यहाँ पर आप देख लीजिए लॉक स्क्रीन सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए लॉक स्क्रीन पोस्ट नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको कई सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पर देखिए लॉक स्क्रीन की जो सेटिंग है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, रोटेट वॉलपेपर, ठीक है, डिस्प्ले न्यू लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ईच टाइम द स्क्रीन इज लिट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम बंद कर लेते हैं, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए कितनी भी बार आप क्लिक कीजिए जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर अभी चेंज नहीं हो रहा है। और अगर हम इसको चालू कर दें, ठीक है, अभी देखिए ये जो सेटिंग है अभी देखिए चालू हो चुकी है, वॉलपेपर चेंज हो रहा है। तो ये छोटी सी सेटिंग है, हालांकि ये जो नाम है ये हर एक मोबाइल में अलग अलग तरीके से होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपके मोबाइल के हिसाब से कि आपके मोबाइल में ये जो ऑप्शन है किस नाम से है। लेकिन इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में जो ये ऑटो वॉलपेपर चेंज वाली सेटिंग में ये कर सकते हैं, चालू है तो बंद कर सकते हैं और बंद है तो चालू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।